अरवल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। जी हां, लगातार गाड़ियों की चोरी हो रही थी। पुलिस अधीक्षक हिमांशु शंकर त्रिवेदी एवं सहायक पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के नेतृत्व में करपी थाना क्षेत्र से चोरी गए गाड़ी को 4 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया गया है। जी हां, चोरी की घटनाएं लगातार घट रही थी, जिसकी वजह से पुलिस काफ़ी सीरियस थी, लेकिन इस बार चोर पड़ गए पुलिस के हत्थे और पकड़े गए। जी हां, अरवल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी गए गाड़ी को 4 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है। अरवल से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। भाई को सुबह 5 बजे के करीब करपी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में एक सुजुकी की इग्निस कार चोरी होने की सूचना मिली और वाहन मालिक बहुत आक्रांत था कि वाहन चोरी हो गया है। इस पर करपी थाना प्रभारी ने सभी थानों को सूचित कराते हुए इसकी बैरिकेडिंग कराई गई। एएसपी साहब इसमें लग गए और बैरिकेडिंग के पश्चात ये पता लगा कि कोई वाहन अभी बाहर गया नहीं है, सीमा से बाहर गया नहीं है, तो उसकी खोज अंदर चालू की गई। इसी क्रम में करपी थाना प्रभारी को एक नई महंगी बाइक घटनास्थल के कुछ दूरी पर एक घर के पास लगी हुई थी। इन्होंने अपनी प्रतियोगिता का प्रयोग करते हुए उस बाइक जो लॉक लगी हुई थी उसको अपने साथ ले जाने लगे ताकि कार सुना जाए, तो उस बाइक को ले जाने लगे ये देखते हुए कि अगर बाइक को ले जाएंगे तो कोई ना कोई आएगा। काफ़ी पूछने के बाद जब कोई नहीं आया तो उस बाइक को जबरदस्ती लॉक तोड़ के ले जाने का उपक्रम करने लगे। यह देखकर पास से ही छुपा हुआ एक व्यक्ति आया कि मेरी बाइक है, और कोई और व्यक्ति अगर इतनी सघनता से धैर्य से अनुसंधान के लिए नहीं तत्पर होता तो बाइक वाले को उसकी बाइक का कागज़ वगैरह देखकर छोड़ देता, किंतु इन्होंने अपनी अनुसंधान की और उस सूक्ष्मता का प्रयोग करते हुए उस बाइक को भी लिया और बाइक वाले को भी लिया और उसको कई तरह के क्रिस क्रॉस क्वेश्चन में फंसाया। क्रिस क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, बार बार बयान बदल रहे थे। उसके क्रम पर इन्हीं पर संदेह हुआ और अच्छी इंटरोगेशन के बाद अरवल के बैदराबाद से वह चुराई हुई कार बरामद हुई। और इसके अलावा इनकी पूर्व में भी कुछ चोरी में संलिप्तता की बात आई है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है, पूरे अपराधी का इतिहास पता लगाया जा रहा है। सर, गाड़ी का नंबर सर BR01FG4542। का नाम अर्पित सिंह, पिता रंजीत सिंह, और इनका कहना है कि इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की को खुश करने के लिए इससे पहले भी एक बार कार चोरी की थी और दोबारा भी चोरी की है, किंतु इसको हर एंगल से सोचा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अपने अपराध को और सॉफ्टन करने के लिए माना दे रहे हैं, तो अनुसंधान पूरी तरीके से किया जाएगा। प्राथमिकी दर्ज हुई सर? हाँ, प्राथमिकी दर्ज। को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।